हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्केचअप के इस तीसरे लेशन यानी कि स्केचअप के थर्ड लेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों ने दूसरी वीडियो देखी होगी और उसे प्रैक्टिस भी किया होगा। अगर आपने दूसरी वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसको आगे सीखते हैं कि इसमें कैसे कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं, कैसे काम करना है, टूल्स का क्या काम है, ये सारी चीजें अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे फिट और इंच की टेम्पलेट्स आपको चूज करनी है, तो मैंने वो चूज कर लिया यहां से। अभी मैं इस जो कैरेक्टर है इसको आप चाहो तो रख सकते हो और नहीं तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसको कर देता हूं डिलीट, मुझे फिलहाल के लिए ये नहीं चाहिए। तो आप इसे सिलेक्ट करके एंड डिलीट बटन प्रेस कर दें, ये आपको चला जाएगा। अभी मुझे देखना है कि यहाँ पे कैसे काम होता है। अगर सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक बिल्डिंग है या फिर हमें एक फ्लोर बनाना है या फिर वॉल बनाना है, विंडोज, डोर, ये सारी चीजें हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे एक फ्लोर बनानी है तो ये देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल है, आप इसमें जा सकते हैं और या फिर आप इधर आ जाइए। अच्छा, ये जो सारे टूल है ना, ये सारे टूल्स आपको मिलेंगे उसको यूज करने के लिए कि मूव रोटेट वगैरह कैसे करना है। ड्रॉ के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको यहां से लाइन, आर्क, शेप, सारा चीज यहां से मिल जाएगा। रेक्टेंगल बनाने का जो शॉर्टकट है वो है आर, तो आप अपने कीबोर्ड पे जस्ट प्रेस कीजिए आर और आपको रेक्टेंगल की जो टूल है वो आपको मिल जाएगी। अभी आपको क्या करना है कि आप यहां से ऐसे इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने यहां से इसको ड्रॉ कर लिया है। दोस्तों अभी यहां पे आप एक चीज ध्यान से समझिए कि यहां पे दो चीज होती है, एक ये फेस है और एक ये फेस है। तो अगर आप देखेंगे तो इधर में जो हमारा अभी ये दिख रहा है ये बेसिकली हमारा अपोजिट फेस है, जो मेन फेस है वो है हमारा ये, यानी कि यही हमारा मेन फेस है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर कभी आपको लगे कि मुझे इसको रिवर्स करना है तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके आप इसे यहां से रिवर्स फेसेस कर सकते हैं। और अभी अगर नहीं भी करेंगे तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये तो जो बना है ना, ये मेरा एक जस्ट एक रेक्टेंगल बन गया है, लेकिन अभी इसमें थिकनेस कैसे देंगे। अगर आपको इसमें थिकनेस ऐड करनी है तो यहां पे एक पुश पुल का टूल है जिसका शॉर्टकट है पी। अगर आप पी प्रेस करेंगे तो आपको ये टूल मिल जाएगा। आप इसको जैसे ही अपने सरफेस के ऊपर मूव करेंगे, ये देखिए आपको यहां पे ऐसे कुछ सिलेक्शन जैसा डॉट डॉट मिलेगा। आपको क्या करना है कि आपको इस पर क्लिक करनी है और क्लिक करके इसको ऊपर की ओर ड्रैग करनी है। ये देखिए जैसे मैंने ड्रैग किया हमारा जो सरफेस है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे आ गया, जो उल्टा था वो भी हट चुका है अभी, क्योंकि इसमें थिकनेस आ चुकी है अभी। तो अभी मान लो कि मुझे जितना मोटा चाहिए उतना मोटा आप यहां से ऐसे ले सकते हैं। तो ये देखिए हमें मिल गया, ये हमारा फ्लोर मिल गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे अभी मेरा फ्लोर है, अगर मैं चाहूं तो इसको और भी ऐसे ऊंचा कर सकता हूं और ये पूरी की पूरी घर, पूरा बिल्डिंग, रूम्स वगैरह सारे चीज हम यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये पुश पुल, अभी सपोज मान लीजिए कि यहां से आपको करना है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन आप चाहते हैं कि यहां से एक्सटेंड तो हो बट ये वाला जो लाइन है ये लाइन यहाँ पे रहनी चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रेस करना है कंट्रोल एंड देन क्लिक और ऐसे आप इसको ड्रैग कर लीजिए। ये देखिए ये आपका इस फेस के साथ ये यहां पे आपको ये एक्सटेंड हो चुका है। अगर मैं चाहूं ऊपर से मुझे नीचे की ओर दबाना है तो आप इसको पुल भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए जब अभी आप पुल कर रहे हैं तो कुछ ऐसा मिल रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो रही है यहां पर। तो अभी आपको क्या करना है, यहां से सपोज इसको मैंने पुल किया तो देखिए ये आसानी से ऐसे पुल हो गया, यहाँ पे अभी पुल हो जाएगा आपको। उसके बाद आप यहां से इसको ऐसे इधर से एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इधर से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये देखिए। तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ पे बहुत आसानी के साथ कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह आप यहाँ पे बना सकते हैं।
अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो यहां पे भी एक्सटेंड हो जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा मिल रहा है अपने को। और मैं यहां से अगर इसको पकड़ के अगर मैं नीचे की ओर लाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नीचे की ओर ऐसे मिल रहा है। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे पुश एंड पुल का काम कर सकते हैं। अभी सपोज मान लो कि आपको यहाँ पे यहां से कुछ चीजें और एक रेक्टेंगल बनाकर आपको एक्सटेंड करनी है, तो आप इजिली रेक्टेंगल में जाइए और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे ये ऑन फेस दिख रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो ड्रॉइंग है वो ऑन फेस होने वाला है। आप क्लिक करें और इसको इस तरीके से ड्रैग करें। जब आप इसको ड्रैग करेंगे और ये जो डायगोनल लाइन आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो शेप है वो पूरा का पूरा स्क्वायर में है। अगर आप इसको रेक्टेंगल में ले आएंगे तो आपको वो डायगोनल लाइन नहीं दिखेगा। तो अभी मैं इस पे से क्लिक कर देता हूं और मैं फिर से पुश एंड पुल टूल में जाता हूं और यहां से मैं फिर इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूं बहुत आसानी से, ये आप देख सकते हैं। और इस तरीके से मैंने यहां पे करनी है तो मैं ऐसे बहुत आसानी से यहां पे कोई भी चीज कर सकता हूं। अगर मुझे यहां पे एक पिलर बनानी है तो मैं यहां पे जाऊंगा और आपको यहां से आप इसको ऐसे जूम कर लीजिए। और ये जूम कैसे करना है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो ये मैंने यहां पे कर लिया और मैं ऐसे ही कुछ यहां पे भी एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। ऐसे मैंने रेक्टेंगल बना लिए हैं और दोनों अलग अलग रेक्टेंगल है। अगर मुझे इसको डिलीट करनी है तो मैं इसे सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकता हूं। तो अभी मैं यहां पे एक रेक्टेंगल ऐसे बना लेता हूं, ये देखिए बन चुका है। अभी मैं क्या करूंगा कि इसे पकड़ूंगा और पकड़ के मुझे नीचे लाना है तो मैं नीचे ऐसे ला दूंगा इसको। तो ये देखिए आपका पुश पुल का ये कमाल है। और इस तरीके से आप यहां पे बहुत सारे बहुत अच्छे से यहां पे कोई भी बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं पुश पुल और रेक्टेंगल टूल यूज करके। अभी आपको क्या करना है कि अभी ये देखिए हमारा पूरा चीज यहाँ पे बन के तैयार है। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। अभी इसमें कैसे विंडो क्रिएट करनी है, वॉल कैसे क्रिएट करनी है, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपको जो करना है वो सबसे पहले ये करना है कि आपको यहाँ पे पुश पुल एंड रेक्टेंगल टूल की प्रैक्टिस करनी है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये इसको बना लिया है। और उसके बाद आप यहाँ पे अगर फ्लोर अलग से कुछ बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से एक फ्लोर भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने ऐसे एक फ्लोर क्रिएट कर लिया है जो कि इससे के साथ पूरा पूरी तरीके से अटैच्ड है। अभी मैं इसको पकड़ूंगा, इसको ऐसे सिलेक्ट करके अगर मुझे थोड़ी सी मूव करनी है तो मैं यहाँ पे मूव टूल है, आप इस पर क्लिक कीजिए और इसे पकड़ के आप ऐसे मूव भी कर सकते हैं। ये देखिए ये मूव हो गया अभी आपका। अभी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिल रही है अभी चीजें। अभी आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसे पुश पुल करके कुछ ऐसा कर दीजिए। इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये तो अंदर की बात है, जो मेरा मेन पार्ट है ये है। तो आप देखो यहाँ पे बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए अपने कंप्यूटर में। और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड या इसके पिछले चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेरीज आपके आएंगे मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ही पहले मैं उसे सॉल्व करूंगा और फिर मैं आगे आपको लेकर चलूंगा, ताकि आपको ये बिल्कुल भी फील ना हो कि आप ऑनलाइन में सीख रहे हैं या फिर फिजिकल क्लासरूम में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग।